शाजापुर कृषि उपज मंडी में आलू और प्याज की बंपर आवक के चलते आज ट्रैक्टर और ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं त्योहारों के कारण मंडी में छुट्टी रही। जैसे ही मंडी नियमित रूप से शुरू हुई, किसानों ने मंडी का रुख कर लिया। इस बंपर आवक से वाहनों की लंबी कतारों से जाम के हालात बन गए, जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों के साथ कई दुकानदार और आसपास के लोग भी परेशान दिखे। उनका कहना था कि मंडी में आने वाले वाहनों से आए दिन जाम की स्थिति बनती है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण गुरुवार को मंडी गेट से लेकर ग्राम बरवाल तक जाम के हालात बने रहते हैं। दरअसल गुरुवार को मंडी में करीब 2000 ट्रॉलियां व ट्रक आलू प्याज लेकर आए, इससे ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। वैसे तो जाम सुबह से लगना शुरू हो गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन दो पहिया वाहन और अन्य छोटे वाहनों को निकालता रहा। गौरतलब है कि अभी किसानों को आलू और प्याज दोनों के दाम अच्छे मिल रहे हैं। भाव में तेजी के चलते ही लगातार आवक बनी हुई है और यहां से महानगरों में आलू प्याज का निर्यात किया जा रहा है। शाजापुर कृषि उपज मंडी में आलू और प्याज की बंपर आवक के चलते आज ट्रैक्टर और ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं त्योहारों के कारण मंडी में छुट्टी रही। जैसे ही मंडी नियमित रूप से शुरू हुई, किसानों ने मंडी का रुख कर लिया। इस बंपर आवक से वाहनों की लंबी कतारों से जाम के हालात बन गए, जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों के साथ कई दुकानदार और आसपास के लोग भी परेशान दिखे। उनका कहना था कि मंडी में आने वाले वाहनों से आए दिन जाम की स्थिति बनती है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण गुरुवार को मंडी गेट से लेकर ग्राम बरवाल तक जाम के हालात बने रहते हैं। दरअसल गुरुवार को मंडी में करीब 2000 ट्रॉलियां व ट्रक आलू प्याज लेकर आए, इससे ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। वैसे तो जाम सुबह से लगना शुरू हो गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन दो पहिया वाहन और अन्य छोटे वाहनों को निकालता रहा। गौरतलब है कि अभी किसानों को आलू और प्याज दोनों के दाम अच्छे मिल रहे हैं। भाव में तेजी के चलते ही लगातार आवक बनी हुई है और यहां से महानगरों में आलू प्याज का निर्यात किया जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट।